अंद्रेस किम और संत पॉलुस चौ। कोरिया में पहली बार कैथोलिक विश्वास मिशनरियों ने नहीं बल्कि कोरिया के ही बुद्धिजीवियों ने लाया। ये बुद्धिजीवियां चर्च की खोज में बीजिंग गए, जहां उन लोगों ने ईश समाज के पुरोहितों से बात की। 1748 में यीशु हुन बपतिस्मा स्वीकार करके अपना नाम पीटर रख दिया। बपतिस्मा के बाद जब वे कोरिया लौट के आए, अपने साथ ढेर सारे धार्मिक चीजें भी लेके आए। कोरिया में लौटने के बाद पेत्रुस ने अपने साथियों को भी बपतिस्मा दिलाया। इस तरह कोरिया का पहला कैथोलिक समूह का गठन। जैसे जैसे ईसाई समूह कोरिया में बढ़ता गया, वैसे वैसे ईसाइयों के उत्पीड़न भी बढ़ता गया। ईसाइयों को उत्पीड़ित करते थे और मार डालते थे सिर्फ इसलिए कि वे ईसाई हैं। पॉल चांग एक महान आदमी था। उनके पिता और भाई सब विश्वास के लिए मारे गए थे। पॉल 9 बार बीजिंग गए ताकि पुरोहितों को कोरिया में आने के लिए आमंत्रित कर सके। 1830 में जब पहली बार पुरोहित लोग कोरिया में आए, तब ये खुद उनको लेकर आए, अपने यहां ठहराए। 1839 में पॉल मारे गए और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मां और उनकी बहन दोनों विश्वास के वास्ते मारे गए। फादर एंड्रू किम ये कोरिया के सबसे पहला पुरोहित थे। 1837 में ये कोरिया छोड़कर मकाऊ गए ताकि अपने पुरोहिताई प्रशिक्षण पूरा कर सके। 1845 में अगस्त के महीने में एक मिशनरी धर्माध्यक्ष ने एंड्रू को पुरोहित अभिषिक्त किया। उस पुरोहिताई अभिषेक के तुरंत बाद एंड्रू अपने साथ उस धर्माध्यक्ष और एक फ्रेंच पुरोहित को लेकर कोरिया वापस लौटे। ऐसा लगता था कि उनका पुरोहिताई अभिषेक विश्वास के वास्ते मरने के लिए था। पुरोहित बन के साल भर होने से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनको मार डालने के लिए सोचने वाले इस दुविधा में थे कि उन्हें मारे या नहीं, क्योंकि वे उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए थे। 1846 में सितंबर के महीने में मात्र 26 साल का एंड्रूस अपने पुरोहिताई के 1 साल पूरा करने से पहले ही विश्वास के लिए, ईसा मसीह के लिए शहीद हो गए। इनके अलावा कोरिया में ऐसे हजारों ईसाई हैं जिन्होंने अपने विश्वास के लिए जीवन त्याग दिया। मई 6 तारीख 1984 साउथ कोरिया के सियोल शहर में जब संत पापा योहान पौलुस द्वितीय ने इन शहीदों को संत घोषित किया, तब माना जाता है कोरिया के इतिहास में सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। ये दोनों संत कोरिया के संरक्षक संत माने जाते हैं। विश्वास के लिए प्रज्वलित होना, प्रभु के बारे में दूसरों को बताना, खुद उस विश्वास में गहरा होना, स्थिर होना और उस विश्वास के लिए अपने जवानी में कुर्बानी देना,
हर ईसाई के लिए एक चुनौती है, एक दायित्व है। हम इन महान शहीदों की प्रेरणा से अपने विश्वास की साक्षी देने के लिए सक्षम हैं।